सूरत गढ़ और बनते बनते बिगड़ गई बात। कर्ट से टेक्नीशियन की मौत के चलते धरने से जुड़ा मामला, सीओ शिवरतन गोदारा के प्रयासों से कर्मचारी नेता हो गए थे राजी, एएन के निलंबन की जगह एपीओ करने प्रस्ताव पर भरी हामी, लेकिन एफआरटी के काम को लेकर फिर अड़ गया पेच। कर्मचारियों ने एफआरटी से नियमों के तहत काम करवाने और एफआरटी फॉल्ट कंप्लेंट विभाग के कर्मचारी से नहीं करवाने की रखी मांग, लेकिन विभाग के से कर्मचारियों को नहीं दे सके एफआरटी को लेकर आश्वासन। इस पर ऐसे वीआई परिहार के रवैये से खफा हो कर्मचारी निकले बाहर और इस तरह एक अधिकारी के धूलमुल रवैये ने बिगाड़ दी बात। सभी कर्मचारियों ने धरना पर निर्णय लिया है कि 8 बजे बिजली बोर्ड से रवाना होकर पूरे बाजार में बरकत को न्याय देने हेतु व एएन राजेश भूरिया को सस्पेंड करने की मांग को लेकर एक कैंडल मार्च निकाली। संगठन की बात करते हो तो इसको संगठन आप लोगों के लिए चलाओ और के अंदर अपन डिसाइड करके रिकॉर्ड
ब्रदर ही को कर देते हैं ट्रांसफर, अभी चल ही रहे हैं जब तक, इसमें आपका कोई वो भी नहीं है। अभी ये तीनों चीज़ें हैं वो आपकी अलग अलग, आप दे दीजिए ठीक है। आपका देखा तो वो ये जो इसकी जो है ये MRT काम कर रही है नहीं कर रही है इसके संबंध में जो आपकी कोई जानकारी तो मर्जी की है इनको रखना है कि नहीं रखना है वो ये इनका काम है। ट्रांसफर है ये तो अपने आप में वो तो इसको पोस्टिंग ना देनी है, ये तो ऊपर के अधिकारियों का काम है ना, देख लेंगे अपने हिसाब से। आपको इसमें कुछ एक बनवट करने की जरूरत ही नहीं भाई, आप अपना जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है उससे आपको क्या करना है, इनका काम है ये करते रहेंगे आपका काम, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर APO से आपको लगे भाई यहाँ से चांस तो प्रभावित हो जाएगी, उनको साहब यहाँ से हटाई दे तो मतलब उसके बराबर ही है, जैसे आप कह रहे हो सस्पेंड रहे मन में नहीं साहब वो आंदोलन है इनके साथ चलाने दो, 5 दिन ये आंदोलन भी चल जाएगा, इनकी जाँच भी पूरी हो जाएगी और उधर APO करने से उनको भी कोई नुकसान नहीं है, समझे ठीक है। और जाँच के बाद में देखो काम में निश्चित तौर पर आप भी सहमत हो, नहीं भी गांव के बाद में कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत वो हमारा और उसमें आप अपना पता लिखा के बोल सकते हैं, बड़े आदमी बोल रहे हैं आप शामिल करना चाहते हो अभी सर शांति देश में हो रहा है हटाना मत साफ एकदम कस लगाते हैं गठे अगर भी खाने लगे अपना भी काम ना हो उसको जो अपने को आर्थिक लाभ दिला सकते हैं उसके सब्जेक्ट में इसलिए चर्चा नहीं हुई कि हम पहले पॉइंट में अभी भी अड़े हुए हैं, जब तक पहला पॉइंट क्लियर नहीं होगा उसके बाद ये बात नहीं। और पहला पॉइंट हम आपके पास क्लियर करने के लिए आए, अभी आखिर इस बात पे आप सहमत हो तो हम दूसरे और तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, भी दूसरे और तीसरे पे पॉइंट पे जब बात होगी जब हम पहले पे सेटिस्फाई हो तो हम लोग फिर करेंगे, मतलब दूसरे तीसरे पॉइंट पे भी अपने बात नहीं करें, यही बात है सर बताओ सर यहाँ लाइन में जवाब करने वाले को यार ये बात समझ नहीं रहे कोई बात अब क्या कर दो, हम तो ये करेंगे ठीक है अपने यहाँ उसको एक्टिव नहीं करेंगे अभी बात तो पहले आएंगे तो बात करते हैं ओके एग्री एक नंबर बात की बात एपीओ आप सब कांच में एपीओ होंगे सभी होंगे बारी एजेंसी से कांच कराओ लोग सभी होंगे और सब कांच के बाद जिले से बाहर लगा दो और 10 बंदे हो 15 बंदे हो हमारे यहाँ पे डरे के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाएंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है सिस्टम को कहीं कोई दिक्कत आने देंगे ठीक है, जब तक जांच आती नहीं है तो जांच आपके स्तर पे नहीं आप साहब के नेतृत्व में है एसडीएम साहब के स्तर के ऊपर हमारे टेक्निकल साथी जो भी वो आप एसडीएम साहब को नाम दे देता ठीक है बिल्कुल है ना, वो वोटर आगे पड़ेंगे तो और संपूर्ण रूप से साहब FRT की जांच की जाए उसके हाथ जोड़े तलिए कितने समय से चल रही है किस किस प्रकार से बिल उतरे हैं और कितनी धांधली बची हुई है या नहीं हुई है ये उसकी संपूर्ण जांच कर रहे हैं पूरे कर्मचारी सक्षम है काम करने में, अगर फिर भी किसी कारणवश अगर रहती है तो जो उसके वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है हम हमारे नियम नहीं तोड़ रहे हैं,
उसके वर्क ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उस आधार पे उनसे काम लिया जाए, कोई रियायत नहीं दी जाए सर। सूरतगढ़ में लगभग सक्षम है कर्मचारी इतने हैं डिवीजन में कि वो सूरतगढ़ और सिटी। देखो दो बात है, लोपाल की बात की भी बात है वो। अभी जो एफ आर टी का नॉर्म नियम के लगे बिंग अकॉर्डिंग साफ आते बिंग अकॉर्डिंग काम हो तो एफ आर टी काम एफ आर टी एफ आर टी के जो वर्क ऑर्डर में काम लिखा हुआ है सर वो काम एफ आर टी करेगी ना कि हमारा टेक्निकल साथी करेगा। या आप एफ आर टी हटा दो, हमारे टेक्निकल साथी सभी काम करने को तैयार है। सारी चीजें लिखी है पर सारे काम उसके अनुरूप उसको अपने पेमेंट भी तो दे रहे हैं ना बॉस, उसके अनुरूप ही तो उसको पेमेंट दे रहे हैं सर। जब तीन अगर थोड़े नाम से काम कर रही है काम करते हुए मैं कह रहा हूँ कर्मचारी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपको शिकायत नहीं आने देंगे, आप हटा क्यों नहीं सकते? अगर किसी कारणवश रहती है आप क्या मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बढ़ती।